हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम चना दाल वड़ा बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद जो घंटी आएगी उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम चना दाल वड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप चना दाल ली है, जिसे कि मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और अच्छे से धोकर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। मिक्सर जार में हम ये चना दाल डालेंगे। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। दाल को हम थोड़ा मोटा पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं पीसना है। दाल को हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने दाल को थोड़ा मोटा पीसा है, एकदम बारीक नहीं पीसा है। इसी तरह से दाल पीसकर आपको वड़ों के लिए तैयार करनी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इस पिसी हुई दाल में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं मिक्स करके, जिसमें कि मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई गाजर, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। ये सारी सब्जियां भी हम इसमें डाल देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, आप चाहें तो प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1 चम्मच जिंजर चिली पेस्ट, 4 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, 4 चम्मच सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चना दाल वड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसमें सब्जियां मिक्स कर देने से इनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इस मिक्सचर से वड़े बनाना शुरू करेंगे। वड़े सेकने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है। इसको हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे, जैसे वड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से दाल को हम हाथ में फैला लेंगे और इसको गोल शेप देंगे। ये देखिए, वड़ा बन गया है। इसको हम गरम तेल में डालेंगे और इसी तरह से सारे वड़े बनाकर सेकते जाएंगे। तेल गरम हो गया है, गैस को मीडियम लो कर देंगे। अब एक एक करके वड़े को तेल में डालते जाएंगे। इनको हम मीडियम लो फ्लेम पर ही पलट पलट कर सेकेंगे, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे। अगर इनको हम तेज आँच पर सेकेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। इनको हम इस तरह से बीच बीच में पलटते हुए गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं कि वड़ों का कलर चेंज होने लगा है। जैसे जैसे वड़े सिकते जाएं, आप दूसरे वड़े भी इन्हीं के साथ डालकर सेकते जाएं। जो पहले वाले वड़े थे उनको हम पलट पलट कर सेकते जाएंगे। अब हम इनको वापस से पलटेंगे। जो वड़ा हमने बाद में डाला था उसको भी हम पलट देंगे। वड़े सिक गए हैं। आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे वड़े सिके हैं। ये जो वड़ा हमने बाद में डाला था ये अभी सिका नहीं है, इसको हम सिकने देंगे और इसी के साथ बाकी के वड़े भी हम तेल में डालकर सेकते जाएंगे। हमारे क्रिस्पी और टेस्टी चना दाल वड़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
आप इन्हें सुबह के नाश्ते में खाएं, बच्चों को टिफिन में पैक करके दें, या फिर शाम को चाय के साथ लें। गेस्ट को भी आप गरम गरम चना दाल वड़ा चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।